हाय फ्रेंड्स, मैं आज आया हूँ यहाँ ये कैनन के इमेज स्क्वायर में। ये कैनन 90D खरीदने वाला हूँ। मैं सोचा था आप लोग को यूट्यूब वीडियो बना के दिखाऊँ इसका अनबॉक्सिंग कैसा है, क्या है, और इसका मैं वीडियो क्वालिटी भी दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे जाके आपको आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इससे कैसा शूट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा कैनन का 90D, ये भैया दिखा रहे हैं हमको। तो इसमें आपका 32.5 मेगापिक्सल है और आपका ISO इसका 100 से 25,600 तक चला जाता है। तो DC-K8 प्रोसेसर है और अच्छा है, 4K वीडियो शूट होता है इससे, तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी अच्छा है और बाकी ब्लॉगिंग के लिए आप लोग तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो भैया को बोलते हैं इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए और ये पार्टर कुछ होगा तो ये बता देंगे। और इसे हमारा कैनन का 90D, इसमें ये कुछ मैनुअल गाइड आता है और ये नेक्स्ट टिप है, इसको आप लोग लगाइए जब भी कैनन का कुछ भी कैमरा ले, बाईचांस रिक्स कम रहता है इसको लगाने से। तो ये चार्जर एडाप्टर ही आया है, बैटरी है इसके साथ, पावर कोड। हाँ, तो हमारा बॉडी तो नीचे है, तो आपका ये वारंटी है। हाँ, दो साल का वारंटी भी मिलता है इसमें। आपका मेमोरी 16GB, 16GB एक मेमोरी कार्ड भी फ्री है इसके साथ। आपका ये कैमरा भैया हमको दिखा रहे कैनन का 90D। तो इसको कुछ टेस्ट करते हैं ना, कुछ लगा के आप। ये एक लेंस इसका साथ किट लेंस आया है 18-135mm में। और इसका एपर्चर कितना है भैया? इसका एपर्चर आपका इधर है 3.5 to 5.6 एपर्चर में आ रहा है। तो भैया हमें इसको फिट करके दिखाएंगे अभी। तो इसका एक क्लिप, इसका आगे का वीडियो में आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ, वीडियो क्लिप कैसा आता है और जूम कैपेसिटी वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं हम लोग इसी वीडियो में। थोड़े आगे तो बने रही मेमोरी स्लॉट उसमें है। तो मैं अभी हूँ यहाँ गुवाहाटी के इमेज स्क्वायर में। जैसे आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा कैमरा है ये और लेंस वगैरह। ये है आपका 90D, ये सेम ही है मैं जो ले रहा हूँ। हाँ, ये 60 भैया, ये 60 का प्राइस कितना? 180-190 तक आ जाता है। ये मिररलेस कैनन EOS R है, ये भी अच्छा है। इसका फ्लिप स्क्रीन है क्या भैया? तो ये आपका 80D पुराना मॉडल, बहुत ब्लॉगर्स ये यूज करते थे। तो दोस्तों, मैं अभी इसमें 24 फ्रेम्स पर सेकेंड फुल HD में शूट कर रहा हूँ। ऑटो फोकस भी ऑन किया हुआ है मैंने और इमेज स्टेबलाइजेशन भी ऑन किया हुआ है। और मैं आप लोग को जूम करके बताता हूँ इसका इमेज क्वालिटी। तो ऑटो फोकस करता हूँ, रुकिए। तो ये फोकस कर रहा है और तो इतना तक जूम ही जाता है। ये 18x135mm लेंस यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, EFS 18x135 लेंस से अभी शूट कर रहा हूँ। तो अभी इसका आप देख पा रहे होंगे इसका फुल वीडियो फुटेज। तो मैं आया हूँ ब्रह्मपुत्र के रिवर साइड में। तो यहाँ पे बहुत सारे फेरी बोट वगैरह रुके हुए हैं, तो ये लोग उस पार लेके जाते हैं आप लोग को, नॉर्थ गुवाहाटी लेके जाते हैं। तो अभी मैं आया हूँ गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र फेरी घाट में। तो फुल जूम करके बताना हूँ रुकिए। तो ये इसका फुल जूम वीडियो है 18x135 EFS लेंस से मैं शूट कर रहा हूँ। ऑटो फोकस भी ऑन है, इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है, ISO 1600 तक दिया हुआ है और मैक्स ISO इसका 2500 तक चला जाता है, जो मुझे अभी नहीं चाहिए क्योंकि अभी बहुत डे लाइट है।
तो लाइट बहुत ज़्यादा है, तो जब लाइट कम होगा तो आप इसको 2500 तक कर पाएंगे। तो अभी मैं 1600 में इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैं बोट के बीचों बीच आ गया। ट्रक रुका हुआ है, उसको फोकस करता हूँ। दो घर मुझे आंखों से दिख रहा है, इस लेंस से जूम करके फोकस करने की कोशिश करता हूँ। बहुत फोग अभी गिर रहा है, ठंडे का मौसम आ गया है, इसी वजह से ये फोकस नहीं कर पाया है। वहाँ तक बहुत धुआं है, फोग्स। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ फोकस करने की ट्राई करते हैं। तो ISO थोड़ा कम करके देखते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने ISO थोड़ा कम करके देखा, तो अभी ये फोकस कर रहा है। अभी ISO डिक्रीज करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ISO इतना तक ही। तो अपर्चर भी एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। लेवल आप खुद एडजस्ट कीजिए, मैं मैनुअल शूट करता हूँ, तो मैनुअल में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। हर एक सिचुएशन में अपने हिसाब से मैं अपना ISO सेट कर सकता हूँ, तो इसी वजह से मुझे अच्छा लगता है मैनुअल में शूट करना। और बहुत लोग ऑटो में शूट करते हैं, लेकिन मैनुअल में शूट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप मैनुअल में जब शूट करते हैं तो आपको सीखने मिलता है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मैनुअल में शूट करें, और देखिए हर एक सिचुएशन में हर एक एपर्चर ISO एडजस्ट करके शूटिंग करिए, तो आपका इंक्रीज होगा शूटिंग स्किल। तो फ्रेंड्स ये है कैनन 90D का 4K क्लिप, तो आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ। रुकिए, ये अभी कैनन 90D से 4K में शूट हो रहा है, तो इसका फोकसिंग देखते हैं 4K में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं 4K में शूट कर रहा हूँ 4K। तो दोस्तों एक नाव आ रहा है यहाँ से, तो मैं इसको फोकस करके जूम करके देखता हूँ इसको कैसा कैप्चर करता है कैनन 90D। तो ये अभी मैंने पूरा जूम कर लिया है और इसको मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फोकस भी हो रहा है। तो अभी ये नाव चल के आ रहा है, और इसका आप इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि आप इसमें 120 फ्रेम्स पर सेकेंड भी शूट कर सकते हैं, जो पूरा स्लो मोशन है। तो जब उस पर शूट करेंगे, लेकिन आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा उस पर, और उसमें आप एक्स्ट्रा से साउंड क्लिप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर स्लो मोशन चाहते हैं या तो उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह कर रहा है मेरे ख्याल से, फोकस भी अच्छा कर रहा है। तो आप लोग देख ही रहे हैं, अभी मैंने इसका ISO 500 पे सेट करके रखा है, तो आप लोग को ISO भी एडजस्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी 2000 हो गया, 3200, 4000, 6000, 8000, पूरा मैक्स 1200 तक चला जाता है, 1200। तो उसका अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लाइट है। तो जब आप अंधेरे में शूट करेंगे, नाइट में शूट करेंगे, तो 1200 ISO आपका बहुत 12000 ISO सॉरी बहुत काम आने वाला है आप लोग के लिए। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो मेरा,
कैनन 90D के ऊपर, और उस तरफ से और एक जहाज आ रहा है। रुकिए, ISO कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ से और एक जहाज आ रहा है, देखिए मैं उसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मेरा अभी 18x135 EFS लेंस है, अगर इससे भी बड़ा जूम लेंस होता तो आपको और मज़ा आता इस वीडियो क्लिप को देखने में, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास 18x135mm लेंस है जो कि इसके साथ ही आया था फ्री। मतलब इसका भी चार्ज लेके, मतलब आप बॉडी भी खरीद सकते हैं लेकिन इसका भी चार्ज लेके, मतलब ये हमारे कैमरा के साथ आया था। तो अच्छा है लेंस, आप देख ही रहे हैं जूम कैपेसिटी, इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है इसलिए ज़्यादा वीडियो में शेक नहीं आ रहा है। इमेज स्टेबलाइजेशन इसका अच्छा है और मैंने ऑन करके रखा है, इसी वजह से अभी वीडियो में ज़्यादा शेक नहीं देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये पक्षी को भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया, वो बहुत दूर जा चुके हैं अभी हमसे, फिर भी जूम में देखते हैं। हाँ पकड़ रहा है दोस्तों, अच्छा ही है कैनन 90D। तो दोस्तों यही था कैनन 90D का अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और ऐसे वीडियो आप तक ला पाएँ, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम लोग को बहुत प्रेरणा देगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।